परंपराओं को समेटे समानता, सौहार्द और मित्रता का संदेश लिए क्वींस बैटन ने शनिवार को पहले आगरा में ताजमहल और फिर दिल्ली के नेशनल स्टेडियम और इंडिया गेट की यात्रा की। आगरा से दोपहर बाद दिल्ली पहुंची बैटन का नेशनल स्टेडियम में निलंबित भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर एथलीट कृष्ण पूनिया और निशानेबाज समरेश जंग ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। तैयारियाँ काफ़ी अच्छी हैं और बींग एथलीट हर बार हम यही सोचते हैं कि अपने देश को प्राउड फील कराएं, उन्हें अपने देश को गर्व दें और तैयारियाँ हमारी काफ़ी अच्छी हैं। पिछली बार ये परफॉर्मेंस अच्छा था हमारा, इम्प्रूवमेंट था पहले, इस बार भी उम्मीद तो यही है कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ इवेंट्स जैसे शूटिंग के बारे में तो हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स कम हो गए हैं, टीम मेडल्स ख़त्म हो गए हैं, तो ओवरऑल मेडल्स टैली जो नंबर हो गए मेडल्स एटलीस्ट शूटिंग में कम हो जाएंगे क्योंकि काफी सारे इवेंट्स काट दिए गए हैं। बैटन की ये यात्रा काफी लंबी है। दिल्ली के बाद बैटन बांग्लादेश की राजधानी ढाका की यात्रा करेगी। राष्ट्रमंडल खेल के आधिकारिक रूप से शुरू होने के प्रतीक के रूप में पहचाने जाने वाली बैटन एशिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिण अमरीका और कैरिबियन क्षेत्र के देशों से होकर गुजरेगी। 1958 के कार्डिफ खेलों से अस्तित्व में आने वाली बैटन को 1998 कोलालंपुर खेल से पहले केवल इंग्लैंड और मेजबान देश में ही घुमाया जाता था। लेकिन जब 1998 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स एशिया में आयोजित हुए तब इस प्रथा में बदलाव आया और बैटन ने तीसरे देश में प्रवेश किया। तब से बैटन को हर राष्ट्रमंडल सदस्य देश से गुजारने की प्रथा की शुरुआत हुई। गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।